राज्यपाल से मिलने के बाद सूरज पाटिल ने तोड़ा अनशन, जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से हरडिलिया देगा नौकरी। हरडिलिया केमिकल कंपनी के खिलाफ 6 दिनों से अनशन पर बैठे सूरज पाटिल ने अपना अनशन तोड़ दिया। इससे पहले वे पूर्व सांसद संजीव नाइक के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने गए थे, जहां उन्होंने कुकसेत के युवाओं को नौकरी नहीं देने को लेकर चल रही हरडिलिया की मनमानी के खिलाफ शिकायत की। इस शिकायत पर राज्यपाल ने गंभीरता दिखाते हुए थाने जिलाधिकारी को तत्संबंधी कार्यवाही और दखल देने का निर्देश दिया। देर शाम जिलाधिकारी ने अपने एसडीओ को कंपनी गेट पर भेजा, जहां उन्होंने सूरज पाटिल को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई। इस अवसर पर मौजूद पूर्व सांसद संजीव नाइक ने कहा कि हरडिलिया जिनकी जमीनों पर बसी है उन लोगों को नौकरी देने की आनाकानी कर रही थी, जो उचित नहीं था, और इसीलिए हमने राज्यपाल से दखल देने की मांग की। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। इस गाँव के हर नागरिक ने सिर्फ अपनी खेती नहीं तो अपने घर दिए है, और वो घर किसके लिए दे कि इस देश में उस वक्त आज़ादी के बाद व्यापार बढ़ना चाहिए, उद्योग आने चाहिए, फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, उस धारणा से इस देश के नागरिक ने अपना ज़मीन दिया है, ताकि यहाँ अगर कुछ फैक्ट्री लग जाती है तो मेरा बच्चा, मेरे आने वाली आगे की जो नस्ल है उसको यहाँ नौकरी मिलेगी, वो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमारे सहयोगी सूरज पाटिल जी, इन्होंने कई दिनों से व्यवस्थापन समिति से उनको लेटर दिया कि भाई आप यहाँ रिक्रूटमेंट कर रहे हो, भर्ती कर रहे हो, लोगों को नौकरी दे रहे हो, अच्छी बात है। अभी इसमें आपने जो लिखित दिया है कि हम यहाँ के लोकल गांव वाले जो है, यहाँ के स्थानिक और जिनकी ज़मीन यही है उनको रोज़गार देंगे, उसके लिए ये चीज़ चाहिए, उस मुताबिक लेटर देने के बाद भी वो कहते हैं कि हम आपको लेंगे नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, किसी भी हालत में यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं लेंगे तो कहाँ से लोगों के लेंगे। लेकिन इस जगह की जो ज़मीन गई है उनका उनका पहले हक है। एक साहब के कहने के ऊपर माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने आज हमें बुलाया, वक्त दिया, वहाँ से उन्होंने कलेक्टर को कहा कि भाई ये कलेक्टर जी ये कैसी बात है, 15 दिन हुए आपको एक अनशन पे बैठे हुए, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ लोक प्रतिनिधि है और आपका कोई आदमी जाता नहीं है। 1001% इसमें पॉलिटिक्स है, गांव के लिए राजनीति नहीं होती है, गांव सबका होता है, ये इलाका सबका होता है, इसमें हर नागरिक का अधिकार होता है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ राजनीति की जा रही है और वो जल्दी उसका भी पर्दाफाश हम करेंगे। वहीं कुकसेत के युवाओं के लिए आंदोलन पर बैठे सूरज पाटिल ने कहा कि हरडिलिया में नौकरी पाना हमारा हक है, क्योंकि हमने अपने गांव की पुश्तैनी जमीनें दी हैं। उन्होंने राज्यपाल के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने दखल देकर जिलाधिकारी को मामला सुलझाने का निर्देश दिया। सूरज पाटिल ने कहा, अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम फिर आंदोलन करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। एसआई ग्रुप हर बार बिकती गई, अभी और कोई मालिक आया है, और इनके पास जब गुहार लगाई तो मिलने के भी लिए उनके पास समय नहीं था, तो निश्चित तौर पे हम लड़वाइए हैं। लड़ाई करना जन्म से हमें मालूम है, संघर्ष हमारे पीछे हमारे नसीब में लिखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे कुक्षेत ग्रामस्थ का संघर्ष मेरा खुद का संघर्ष है, और आज मैं शुक्रिया करूँगा गणेश नाइक साहब का कि जिन्होंने मेरी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाई, दिल्ली सेंट्रल से यहाँ पर लोग पूछताछ करने के लिए आए। राज्यपाल जी के पास कुक्षेत इतना सा छोटा गांव है, कहा जाए तो ये तो आपके गांव का मसला है ऐसा बोल सकते थे, पर गणेश नायक साहब का दिल बड़ा है। संजीवी नायक साहब खुद मेरे साथ, सागर नायक साहब खुद मेरे साथ चल पड़े, और भगत सिंह कोश्यारी साहब ने जिस हिसाब से मेरी पूछताछ वहाँ पे की कि बेटा 6 दिन से आप भूखे हो, कैसे इतना कर पा रहे हो, कैसे रह रहे हो, तुरंत उन्होंने जिलाधिकारी कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया और इस मामले में खुद
जाके मीटिंग लगा के ये कुक्षेत्र के लोग भूमिहीन है, भूमिपुत्र है, इनको न्याय मिलना चाहिए, ये खुद कोश्यारी साहब ने वहाँ पे बयान किया। आज मुझे आनंद है कि यहाँ पे राज्य शासन का कोई नहीं पहुँचा, पर मेरे नेता मेरे पीछे डट के खड़े, और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरे गांव का हर एक इंसान मेरे साथ लड़ाई में उसी ठाम से विश्वास से मेरे साथ खड़ा है। तो ये जीत कुक्षेत गाँव वालों की है। ये लड़ाई जैसे हमने प्रांत साहब को अभी बोला तो न्याय तो हम लेंगे, क्योंकि एक दिन में नौकरी नहीं मिलती, ये तो हमेशा चलने वाला ये है। तो आज यहाँ लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, हमने स्थगित की है, और ये मैनेजमेंट को उनकी जगह दिखा के हम हमारा अधिकार लेंगे ही लेंगे, नहीं तो हम कलेक्टर साहब को बोल ही चुके हैं कि अगला फिर दरवाज़ा आपका है। गौरतलब है कि हडिलिया ने 2016 में लिखित आश्वासन दिया था, फिर भी कुक्षेत्र के युवाओं को नौकरी देने को तैयार नहीं था। कंपनी की मनमानी और असंवेदनशील रवैये से स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ने लगा था। फिलहाल आंदोलन के उग्र होने से पहले समाधान का यह प्रयास सबके लिए राहत भरा है। एज अ शायर अपनी जानिब से एक ऐसा शेर उनकी मोहब्बत में पेश कर रहा हूँ, जिसमें सब कुछ बयान किया जाएगा कि वो हक की लड़ाई लड़ता रहेगा, हक की लड़ाई वो लड़ता रहेगा, जिंदगी की हर जंग वो जीतता रहेगा, हक की लड़ाई वो लड़ता रहेगा, जिंदगी की हर जंग वो जीतता रहेगा, उसको अंधेरों से मत डराओ यारो, वो सूरज है हमेशा चमकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।